वन प्लस नॉर्ड सीरीज फाइनली इतना हाइक होने के बाद, इतना बहुत ज्यादा वीडियोस के आने के बाद फाइनली करी के डेट पर लॉन्च हो चुका है। नॉर्ड सीरीज के ऊपर, वन प्लस नॉर्ड के ऊपर आपने कई हद तक बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह वीडियोस देख लिया होगा, कई हद तक पेड रिव्यूज वगैरह बहुत ही टॉप एंड जो टेक क्रिएटर्स है आपने उन्हीं की तरफ से भी देख लिया होगा वीडियो। तो फाइनली इतने सारे वीडियोस देखने के बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट यहाँ पर बना रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इतना जब वीडियो बन चुका है कली की डेट पे, यहाँ पर मैं सुबह सुबह बैठ के अभी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आप मेरे YouTube चैनल पर देख लो भाई, जितना पर मैं वीडियो आज के टाइम पर डाला हूँ ना, फर्स्ट जब मैं यहाँ पर YouTube चैनल ओपन किया था से लेके आज तक जो भी वीडियो डाला हूँ सभी के सभी मेरे वीडियो है। एक भी वीडियो ऐसा नहीं कि व्यूज के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में किसी और का वीडियो आज तक नहीं डाला है, और जितना वीडियो डाला हूँ ना सारे के सारे जेन्युइन और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मैंने ही अपने आप मेरा फेस दिखाकर फेस कैम करके दिया है। तो ये भी मेरा फर्ज बनता है कि ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुंचेगा ये मुझे पता नहीं, और कितने लोग ये वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्त के साथ, सभी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि जितने दिनों से यहाँ पर मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ, और ये भी मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड के ऊपर मैं क्लियर यहाँ पर आपके यहाँ पर ओपिनियन शेयर करूँ कि एक्चुअल में कस्टमर को किस तरह से सोचना चाहिए। अगर मैं कस्टमर हूँगा, अगर मेरा यहाँ पर अगर मैं सोचूँ कि इस नॉर्ड सीरीज को लेने के लिए, तो मैं क्या क्या यहाँ पर देखूंगा, इसका क्या क्या कमियां देखूंगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एक चीज भी नहीं है कि इसके बारे में कुछ अच्छा या बोलो, इसके यहाँ पर खरीदने के बारे में बोलू, यहाँ पर जितना चीज है ना सारे के सारे इसको ना खरीदने के ऊपर सब कुछ यहाँ पर रीजन है। तो आप यहाँ पर ये भी सोच रहे हो कि भाई ये कौन सा बंदा है, किस प्लैनेट से आया है भाई, ये बोल रहा है कि वन प्लस नॉर्ड सीरीज को लेना नहीं चाहिए। तो भाई ये वीडियो देख लो, पूरा देख लो भाई लास्ट एंड में, अगर आपको सच में मेरा बात झूठ लगे तो डिसलाइक मारना और जो कुछ लिखना लिख लेना, लेकिन अगर अच्छा लगे तो भाई काइंडली लाइक कर देना, बड़ा वाला एकदम लाइक ठोक देना, और नीचे कमेंट करना आपको क्या अच्छा लगा, और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सभी के साथ शेयर करना, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करने के बाद साइड में आ बेल बटन उस पर ऑल क्लिक करना, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल ये जो वीडियो का यहाँ पर मैं डिटेल बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंट्रो वगैरह नहीं देता हूँ, फर्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट चलता हूँ नॉर्ड सीरीज के ऊपर। तो नॉर्ड जब ये लॉन्च हुआ उससे पहले जब ये यहाँ पर नॉर्ड सीरीज का नाम यहाँ पर बार बार आ रहा था, ये एक प्रॉब्लम है। नॉर्ड सीरीज का नाम कैसा प्रॉब्लम है ये भी बताऊंगा, और नॉर्ड सीरीज जब लॉन्च हुआ उसके बाद ही प्रॉब्लम ऐसा है जो कि इसका जो कलर वेरिएंट को लेके, लॉन्च का जो प्राइसिंग को लेके, और जितना इसका जो रैम रोम जीबी का जो टोटल वेरिएंट है, तीन वेरिएंट है, ये तीन वेरिएंट को लेके प्रॉब्लम। तो आप ये सोचो कि भाई फर्स्ट में ये क्या अटपटा सा वेरिएंट में चीज यहाँ पर बोल रहा है, कलर्स में यहाँ पर प्रॉब्लम है, वेरिएंट से प्रॉब्लम है। तो बताता हूँ यार, थोड़ा वेट करो, ये प्रॉब्लम ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब ये नॉर्ड सीरीज फर्स्ट टाइम आया तो लोगों के मन में यहाँ पर फर्स्ट क्या आया कि बहुत ही सस्ता वाला फोन निकाल रहा है जो कि वन प्लस की तरफ से, बहुत ही सस्ता वाला नॉर्ड सीरीज, सस्ता नॉर्ड, ये बात बार बार आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नॉर्ड सीरीज कहीं ना कहीं पर ये यहाँ पर आ गया कि एक सस्ता बजट रेंज स्मार्टफोन में आ गया। तो यहाँ पर अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदते हो ना, तो फर्स्ट आपको जो भी यहाँ पर सोचेगा भाई नॉर्ड सीरीज फर्स्ट सुनेगा तो उसको प्राइस याद रहेगा या ना रहेगा, लेकिन वो ये फर्स्ट बोलेगा वन प्लस नॉर्ड, यानी कि वन प्लस का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, ये बात को पहले बोलेगा, लेकिन ये ध्यान में नहीं रखेगा कि आखिरकार ये 30,000 का फोन है। तो और यहाँ पर बोलना चाहूंगा ये 30,000 में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो जितना यहाँ पर वेरिएंट निकला है ना, यहाँ पर फास्ट तो ये निकला है जो कि 6GB 64GB 8GB 128GB 12GB 256GB, और इसमें क्या क्या यहाँ पर अंतर है ये भी मैं आपको बताता हूँ, आप सुनोगे बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। और जो बार बार यहाँ पर लोग कर रहे हैं ना 25,000 का फोन आ गया नॉर्ड सीरीज 25,000 में अवेलेबल है, भाई 25,000 में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, बात यहाँ पर पहले ये सुनो कि फर्स्ट सेल कब हो रहा है, तो फर्स्ट सेल इस फोन का हो रहा है 4 अगस्त को, ठीक है ये याद रखो 4 अगस्त को सेल ऑन हो रहा है। तो वहां पर आपको कौन सा वेरिएंट देखने को मिलेगा, 8GB 128GB वाला वेरिएंट, जो जिसमें आपको 28,000 का प्राइस रेंज मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको कौन सा यहाँ पर आपको कलर मिलेगा, ब्लैक कलर और ब्लू कलर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके साथ और एक वेरिएंट भी लॉन्च होगा, और एक वेरिएंट का सेल लॉन्च होगा जो कि 4 तारीख को 4 अगस्त को, वो भी 12GB 256GB 30,000 का, लेकिन वहां पर आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा, जो कि 12GB रैम वाला जो आपको मिलेगा 30,000 का, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का मिलेगा। नेक्स्ट 6 तारीख को लॉन्च होगा वही सीन, जो कि यहाँ पर वही यहाँ पर स्मार्टफोन जो कि 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 30,000 रुपए का स्मार्टफोन, उसका ब्लू कलर जो वेरियंट था वो 6 तारीख को लॉन्च होगा। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई ये 4 अगस्त हो गया 6 अगस्त हो गया, यहाँ पर 8GB रैम वाला 12GB रैम वाला ये तो यहाँ पर लॉन्च हो गया, सेल ऑल लॉन्च हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 25,000 वेरिएंट वो कहाँ गया। तो भाई वो तो भाई बहुत ही दूर है, अभी क्यों सोच रहे हो उसके बारे में, अभी भूल जाओ, दिमाग से ये बात निकाल दो कि नॉर्ड सीरीज आपके हाथ में अभी 25,000 का नहीं आने वाला है, क्योंकि जो 25,000 का जो यहाँ पर वेरिएंट है वहां पर आपको मिलता है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, और उसके साथ आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा, आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा।
जिसका सेल होगा सितंबर में, और वो भी डिसाइडेड नहीं है कि सितंबर में कौन से तारीख को सेल होगा। और जब ये अगस्त का यहाँ पर एक महीना चलेगा ना, एक महीने का जो गैप है, अभी भी कुछ महीना है जो कि जुलाई को खत्म होते ही, तो जुलाई का कुछ दिनों और अगस्त का यहाँ पर टोटल एक महीना, और ये इतने दिनों में ना इतना ज्यादा स्मार्टफोन निकल के आए जाएंगे यहाँ पर, सैमसंग की तरफ से कह लो, रियलमी की तरफ से कह लो, रेडमी की तरफ से कह लो, बहुत ही ज्यादा, वीवो भी निकाल सकता है, ओप्पो भी निकाल सकता है, कोई यहाँ पर मतलब नहीं, इतना ज्यादा फोन निकल के आ जाना कि एक महीने के अंदर आप बिल्कुल ही सोच में पड़ जाओ कि भाई सितंबर महीने में आपको नॉर्ड सीरीज लेना है या फिर नहीं। फिर भी नॉर्ड सीरीज अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा, और वेरियंट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है 25,000 प्राइस पॉइंट पर, जो नॉर्ड सीरीज में आपको यहाँ पर कम वाले वेरियंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 25,000 रुपए में आपको क्या मिला है, 6GB रैम, 64GB इंटरनल। अगर कोई बंदा यहाँ पर 25,000 स्पेंड कर रहा है तो एटलीस्ट आपको 128GB का तो स्टोरेज होना चाहिए था। यहाँ पर स्टोरेज का, कलर का, नाम का पूरा बिल्कुल ही गंदा सा यहाँ पर मेस्ड अप हो गया है, और ये बहुत ही गंदा मुझे लगा है, जो कि OnePlus ने क्या समझ कर ये फोन निकाला था, मुझे तो बिल्कुल घटिया सा लगा। और ये बात आप थोड़ा ध्यान में सोचिए, उसके बाद मुझे कमेंट करना ये जो वेरियंट और कलर वगैरह जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्लैरिफाई दिया आपके सामने, ये आपको कितना सही लगता है मेरे बात। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आप ही अभी सोच रहे होंगे कि अब मैं क्यों स्पेक्स का यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं टाइम पर स्पेक्स का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉप एंड क्रिएटर्स जो कि यहाँ पर टेक वीडियोस बनाते हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई सस्ता 5G, कोई बोल रहे हैं यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90Hz बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, वाओ। लेकिन भाई ऐसा मत बोलो कि हाँ फर्स्ट टाइम आपको नॉर्ड सीरीज में देखने को मिलता है, ये ऐसा नहीं है, बहुत ही स्मार्टफोन है जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको 120Hz दे रहे, और 90Hz तो आपको कम प्राइस के मिले भाई, कम प्राइस में मिल ही जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पर बड़ा बात नहीं है कि 90Hz डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले दे दिया तो भाई 25-30,000 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया वेरिएंट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं आपको स्पेक्स के बताता हूँ। तो स्पेक्स कितना स्टार्ट करूँ, यहाँ पर सैकड़ों स्पेक्स के ऊपर मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ इस फोन को, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा फोन है जो कि इसको डायरेक्टली टर्मिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्ले और बिल्ट, और बिल्ट के मामले में बहुत ही बढ़िया है, कोई यहाँ पर मुकाबला नहीं, बहुत ही बढ़िया बिल्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है छोटा, छोटा साइज है 6.5 inches का, और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जो मेन इशू ये है कि आपको यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है ये बहुत ही ज्यादा आपको प्राइस रेंज से लगी, इतना प्राइस रेंज पर अगर हाँ 20-21,000 यहाँ पर 22,000 होता तो लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो 6.5 inches डिस्प्ले और 90Hz का यहाँ पर रिफ्रेशिंग रेट, ये कोई इतना ज्यादा नहीं हो गया कि यहाँ पर 25,000 ये स्पेंड कर रहे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचा, जो कि यहाँ पर कैमरेस में बोलना चाहूंगा, कैमरेस में आपको 48MP का कैमरा आपको क्वाड कैमरा मिलता है, जो कि यहाँ पर सोनी IMX586 सेंसर लगा हुआ है। तो ये जो सोनी IMX586 दे रहे हो ना, ये कब का निकला था आप ये सोच लो पहले, 48MP का कैमरा अभी कितने कम दाम के स्मार्टफोन में आ रहे। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी OnePlus का कैमरे का थोड़ा जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल है, थोड़ा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छा है, जो आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर जब ये परचेस करेगा ना, उसको तो ये नहीं लगेगा कि ना भाई ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से लूँ या फिर ये कि लूँ, भाई अलग बात है ना। तो आप ये सोचो, हम यहाँ पर जानते हैं कि हाँ ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा अच्छा है, बाकी 48MP से ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन 64MP का जब मार्केट चला है, जो कि 14-15 हज़ार के रुपए में आ रहा है 64MP, तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 64MP तो देना चाहिए था। और बहुत सारे ऐसे तो सैकड़ों यहाँ पर रूमर वगैरह चल रहे थे जो कि TOF कैमरा आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैमरा, लेकिन वो तो फिलहाल नहीं है। अगर TOF कैमरा आ गया होगा ना भाई 30,000 क्या 35,000 होता तो भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया चलता, और जितने सारे कैमरे जो है 64MP डायरेक्टली बीट कर लेता, लेकिन वो तो कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल ये कैमरे में बहुत ही गंदा लगता है मुझे, जो कि 64MP होना चाहिए था। नेक्स्ट बैटरी बैकअप और इसका जो ओवरऑल जो चार्जिंग, तो चार्जिंग भाई इतना कोई ज्यादा नहीं दे रहा है, 30W का चार्जिंग इतना कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कम प्राइस में आपको मिला है 50W का चार्जिंग, जो कि रियलमी प्रोवाइड करता है, और इससे अच्छा अच्छा रेडमी भी निकाल चुका है और वीवो भी निकाल चुका है, ओप्पो भी निकाल चुका है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर 5,000 mAh और 5,500 mAh ये कुछ रहना चाहिए था, बैटरी बैकअप भी कम है, ठीक है हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बैटरी बैकअप इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग का भी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं कि इतना प्राइसिंग ज्यादा लो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, और प्राइसिंग आप ये ध्यान में रखो कि आप 28,000 या फिर 30,000 में लेने वाले हो, क्योंकि आप पर 25,000 तक तो वेट नहीं करने वाला हो, तो 28,000-30,000 को सोचने के बाद ये बात सोचो कि जो कुछ यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या ये जस्टिफाई करता है कि 28,000 आपको स्पेंड करना चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा इसका जो प्रोसेसर क्या है, तो प्रोसेसर आपको 765G मिल रहा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको 855 भी मिल सकता है, और आप इस प्राइस पॉइंट पर 765 जो आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिल रहा है ये कम प्राइस में मिल सकता है। अगर मैं आपको सिर्फ 765 जो कि स्नैपड्रैगन इस पे लगा रहा है ये आपको कम प्राइस में मिल सकता है,
तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं पर आप जितना यहाँ पर देखो ना, कोई भी आपको एक रीजन नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई इस फोन को ले लूँ, इस फोन को खरीदूँ, ये बहुत ही अच्छा फोन है ये वो, भाई एक भी रीजन निकल के नहीं आ रहा है। ये मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि 28,000-30,000 के अगर आप लेते हो तो भाई आपको क्या मिलता है आप खुद ही देख लो। और 90Hz डिस्प्ले या फिर जब कुछ भी खेलो या फिर गेमिंग वगैरह खेलो, यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, स्पेक्स कम है। अगर आप ये सोच ले रहे हो कि नहीं भाई मुझे OnePlus का ब्रांडिंग चाहिए, जैसे लोग यहाँ पर एप्पल सीरीज के फोन को खरीदते हैं, जो कि आईफोन का SE 2020 निकल के आ गया, जो कि आईफोन में जो अंधे भक्त थे उनके पास पैसा नहीं था, वो लोग सोचेंगे भाई नहीं भाई हम तो ज़्यादा यहाँ पर हाई एंड फोन नहीं ले पाएंगे, चलो AC ले लेते हैं और आईफोन का लोगो दिखा के ऐसे कैमरे के भाई मिरर के सामने ऐसे सेल्फी लेंगे। तो भाई ऐसा कोई मतलब नहीं बनता अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान रखोगे, टेक्नोलॉजी अगर जानोगे तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगे, ना कि ऐसा ब्रांड के हिसाब से। ठीक है, तो कौन सा ब्रांड दे रहा है क्या दे रहा है ये थोड़ा जानने के लिए यहाँ पर जरूरत है। और ये वन प्लस का लोगो चिपका के ये प्राइस रेंज को इतना हाइक करा के, ये बस पेड रिव्यूज वगैरह करा के ये कोई फायदा नहीं है, बस लोगों को यहाँ पर ठगा जा रहा है, कुछ भी नहीं, बस गुमराह करते जा रहे हैं लोगों को वन प्लस का नाम दिखा के, बस कहीं ना कहीं पर ये एक डायरेक्शन चेंज करवाया लोगों का। तो बस यही मेरा मोटिव था कि भाई आपके साथ ये कैसे मैं शेयर करूं, आपको वैसे कैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर ये चीज को क्लैरिफाई करूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेक यूट्यूबर में से भाई हमारा जो वीडियो है ना, हम नए नए आए हैं यूट्यूब पर, हमारा वीडियो आगे नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे यहाँ पर फेक वीडियोज आ रहे हैं, बहुत ही पेड रिव्यूज आ रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों व्यूज छाप रहे, तो हमारा वीडियोस कहीं ना कहीं पर दबी जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। जल्द से मिलते हैं और वीडियो में, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में रखा बेल बटन उस पर और क्लिक कर दीजिए। जल्द से मिलते हैं और एक वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय जगन्नाथ।